हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों हम सीधे पहुंच चुके हैं एसएसबी दोस्तों सेंटर यानी आरटीसी एसएसबी सेंटर अलवर से। और दोस्तों आज आपके जो ड्राइवर के ट्रेड टेस्ट है वो शुरू हो चुके हैं। अभी दोस्तों आपकी एंट्री है वो शुरू होने वाली है। आप पीछे देख भी रहे होंगे कि बच्चे बोर्ड नंबर 10 में एंट्री करने वाले हैं। दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कैसे हम यहाँ पहुंचे, प्लस यहाँ क्या रुकने की व्यवस्था है, कि अगर ट्रेन से आते हैं तो कैसे पहुंचना है, कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट लेने हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चों को बुलाया गया है और कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से उनको अभी है वापस भी भेजा गया है। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट है तो आपको सभी को रेडी करके लेके आने, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों अगर आप ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं, आपको कुछ भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको है माइंड एग्जाम ड्राइविंग तैयारी करवाने वाले हैं। कॉन्टेक्ट नंबर हमने आपको है प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से जाके दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूँ तो ये जो एरिया है वो दोस्तों मौजपुर अलवर के अंतर्गत आता है, और आप कहीं से भी आते हैं तो ट्रेन से आकर आप अलवर उतर सकते हैं। वहां से आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। मालाखेड़ा आपको आना है बस से, और उसके बाद आप यहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि काफी बच्चे आ रहे हैं। और अगर यहां की मैं बात करूं तो आप रात को पहुंच सकते हैं, या धर्मशाला वगैरह भी है 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, रूम वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। इजिली आप यहां पहुंच सकते हैं और समय पर आप यहां पहुंचे। बच्चों की मैं बात करूं तो ये जो आप बोर्ड नंबर 10 देख रहे हैं मेरे पीछे, तो इसमें सिर्फ आपके 31 बच्चों की बाहर लिस्ट लगी हुई है, और उसमें मैक्सिमम बच्चे आपके प्रेजेंट भी हैं। मैं आपको ऑप्टिकल भी अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ऑप्टिकल में हमारे सामने ही है, तो वो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला। उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बता दूं। डॉक्यूमेंट में एक चीज है जो आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी बाहर किया गया है, उनमें आपका जो प्रिंट आउट है जिस टाइम आपने फॉर्म भरा था, वो प्रिंट आउट आपके पास जरूर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अभी उनको बोला है कि आप प्रिंट आउट उसका निकलवा के लेके आइए, अदरवाइज आपकी एंट्री नहीं। साथ में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, कुछ फोटोज होने चाहिए, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, हेवी लाइसेंस होना चाहिए, हेवी लाइसेंस आपका जो 18 जून 2023 से पहले का होना चाहिए। साथ में दोस्तों आपके डोमिसाइल होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस कुछ फोटो कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। मेन है जो आपका है वो होने वाला है आपका जो प्रिंट आउट फॉर्म भरते टाइम, आपने अभी वेबसाइट पर आपका नहीं है, जहां से भी आपने फॉर्म भरा था वहां आप संपर्क साध सकते हैं, या आपने कहीं भी फोन में सेव है उसका प्रिंट आउट आप जरूर ले। एंट्री आपकी 7 बजे शुरू होने वाले हैं, पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, उसी के बाद आपकी एंट्री होने वाली है, अदरवाइज आपकी एंट्री नहीं होगी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अधूरे हैं। और आपकी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपके सारे है वो चीजें होने वाली है। तो आगे की जो अपडेट होगी मैं आपको सबसे पहले देने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।